वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम के हिस्ट्री के क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं, और यह इस सीरीज का पार्ट वन है। इस सीरीज में मैं टोटल 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा और हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन 10 ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे रिकवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के सारे सब्जेक्ट के 10 ईयर्स के वीडियोस के अपडेट मिलते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको पता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला रहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 25 मार्क्स का, और दूसरा होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो भी 25 मार्क्स का होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप सारे पॉइंट्स सारे टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरे 10 ईयर्स का एनालिसिस निकाल कर देखा है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू के जो मैंने 4-5 लिखे हैं उसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद मतलब इस यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है, और इसमें से क्वेश्चन थोड़ा कम मतलब 1-2 इस तरह करके आता है, और इसमें से 3-4 ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लोग इसको एनालिसिस को देखकर स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये जो पार्ट है, ये जो वीडियो पहला सीरीज़ है, इसमें मैं सिर्फ 3 ही टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। वो उसमें से पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा है वैदिक एज, और तीसरा है रिलीजियस प्रोटेस्ट मूवमेंट मतलब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात, ये था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट इसको मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। इसको जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद के जो मैं पार्ट बनाऊँगा उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहला सवाल है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर्ड किया? तो वो आपका किया था राखाल दास बैनर्जी ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और कब किया था अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर होगा 1922। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल वॉज अननोन टू द इंडस पीपल? इंडस पीपल के लोगों को कौन से मेटल के बारे में जानकारी नहीं थी? वो था आपका आयरन। ओके, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विथ पीपल ऑफ विच कंट्री हरप्पन पीपल कैरी ट्रेड? हरप्पन के जो पीपल थे वो कौन से कंट्री से ट्रेड करते थे? ठीक है, तो वो चाइना नहीं, ईरान भी नहीं है, रूस भी नहीं है, वो है आपका समर। ये राइट आंसर है। ठीक है, और ये हरप्पा, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट थे जिसमें से हरप्पा, मोहनजोदड़ो और चहोदड़ो वो अभी पाकिस्तान में है। ओके, तो ये भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाई मैन। ओके, पहला मेटल कौन सा डिस्कवर किया था मैन ने? तो वो आपका आयरन नहीं था, एल्यूमिनियम भी नहीं, जिंक भी नहीं। आपका राइट आंसर होगा कॉपर। ओके, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन। ग्रेट बाथ कहाँ पे था? लोथल? नहीं, लोथल में नहीं था, हरप्पा में भी नहीं था, ये था आपका मोहनजोदड़ो में। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि कौन से साइड में क्या क्या पाए गए हैं। ओके, तो मोहनजोदड़ो में और क्या क्या था ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे था ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल और ग्रैनरी, ये क्वेश्चन आपका आता है। ओके, ग्रैनरी कहाँ पे फाइंड हुआ था? वो हुआ था आपके मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में बंदरगाह कहाँ पे था? ओके, तो वो था आपका ए लोथल में।
और लोथल में बहुत सारे कुछ थे, जैसे कि राइस कल्टीवेशन, वो आपका लोथल में ही था। जैसे कि और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लोथल किस रिवर के साइड में है, तो वो था भागवा रिवर। ओके, जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे कुछ, जैसे राइस था और हॉर्स, टेराकोटा शीप, टेराकोटा हॉर्स, ये सब यहाँ पे फाइंड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशियंट पोर्ट को था, अभी अभी आपको मैंने बताया पोर्ट कहाँ पे था, बंदरगाह लोथल। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपको 10 ईयर्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हरप्पन साइट ऑफ। तो अभी मैंने बताया आपको राइस कल्टीवेशन कहाँ पे होता था, वो होता था आपका लोथल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज हरप्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान। वो कौन सा हरप्पन साइट था जो राजस्थान पे लोकेटेड था, वो था आपका कालीबंगन। ओके, मोहनजोदड़ो आपको पता है कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो आपका था पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये अब आपका आ गया वैदिक एज। ओके, अभी तक मैंने जो डिस्कस किया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन थे जो पिछले 10 ईयर्स में आए हुए थे, अब वैदिक एज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विच पीरियड द वैदिक लिटरेचर वॉज कम्पोज। कौन से पीरियड में वैदिक लिटरेचर कम्पोज हुआ था, वो 1000 BC नहीं, 3000 BC टू नहीं, ये आपका होगा 1500 टू 1000 BC। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड आर्यन डिनोट्स, आर्यन का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है आर्यन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कल्टीवेशन नहीं, इसका मतलब है रेस। ओके, अ रेस, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच एंशियंट टेक्स्ट डू यू फाइंड द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द वर्ण सिस्टम। तो कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसमें आपको वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो वो टेक्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट परमानेंट होम ऑफ द आर्यन इन इंडिया इज। आर्यन का जो पहला होम था, परमानेंट होम इंडिया में, वो कहाँ पे था, वो था आपका पंजाब में, ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है। ओके, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, वो है आपका अथर्वेद नहीं, अभी मैंने बताया ऋग्वेद इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऋग्वेद ही सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द उपनिषद वेयर कंपाइल्ड अराउंड, उपनिषद कंपाइल्ड अराउंड कब हुआ था, ये हुआ था आपका 600 BC। ओके, तो ए इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो वैदिक एज से इतने ही क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में, अब जो नेक्स्ट है वो है आपका रिलीजियस प्रोटेस्ट मूवमेंट, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आता है। हाउ मेनी तीर्थंकर वेयर देयर इन एंशियंट इंडिया। ओके, कितने तीर्थंकर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 24 थे, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं, जैसे फर्स्ट तीर्थंकर कौन था, वो था आपका ऋषभनाथ। ओके, और ऋषभनाथ से और एक क्वेश्चन आता है कि ऋषभनाथ गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, कहाँ पे उसने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, वो दिया था आपका सारनाथ में दिया था। और क्वेश्चन आता है जैसे लास्ट लास्ट तीर्थंकर कौन था, तो लास्ट तीर्थंकर था महावीर। ओके, मतलब 24, और एक 23rd भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो था आपका पारसनाथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द त्रिपिटक वॉज रिटेन इन, जो त्रिपिटक थे बुक, वो कौन से लैंग्वेज में लिखे थे, ब्राह्मी नहीं, खारोस्ती भी नहीं, संस्कृत भी नहीं, वो लिखा था आपका पाली लैंग्वेज में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, नेम ऑफ द लास्ट तीर्थंकर, सबसे लास्ट तीर्थंकर अभी मैंने आपको बताया है, वो था आपका महावीर। ओके, और ये था पारसनाथ, ये 23rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार SSC वगैरह में भी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर है आपका संख्या, बी इज योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, अभी मैंने आपको बताया
सॉरी बुद्धा, मैंने आपको बताया था जो वो नहीं, ये वो बुद्धा होगा। ओके, बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया? वो दिया आपका सारनाथ में। तो डी इज योर राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धा वाज बॉर्न इन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 563 BC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा। ओके, कौन सा ऐसा रूलर था, बादशाह था, जो दोनों ही फॉलो करता था, बुद्धा और महावीरा, मीन्स जैनिज्म, जैनिज्म। तो वो था आपका बिंबिसारा। ओके, मौर्यन डायनेस्टी का ये रूलर था, और चंद्रगुप्त भी मौर्य था, बट ये आपको जैन धर्म के मानने वाले थे। ओके, और अशोका, वो भी पूछ सकते हैं, अशोका कौन से धर्म के मानने वाले थे? तो अशोका बुद्ध धर्म के मानने वाले थे, और जो बुद्ध धर्म का, बुद्धिस्ट का तो थर्ड काउंसिल हुआ था, वो अशोका ने ही करवाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ बुद्धिस्ट जीनोलॉजिकल टेक्स्ट। ओके, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट जीनोलॉजिकल टेक्स्ट है? तो सुत्ता पिटक का जी नहीं, विनय पिटक का ये भी नहीं है, अभिधम्म पिटक का ये भी नहीं है। आपका आंसर होगा डी, दीपा वंसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द काउज ऑफ ऑल सोरो। ओके, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग सारे गम किसके ऊपर था? ओके, सारे जो सोरो थे वो किस चीज की वजह से थी? वो थी आपका, आपका माया नहीं, कामा भी नहीं, तृष्णा। यस, आंसर सी, तृष्णा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द क्वेश्चन इज द फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग बुद्धास टाइम। बुद्धास टाइम के फेमस फिजिशियन कौन था, बुद्धास के टाइम पे? तो वो था आपका जीवा का। ओके, जी, डी इज योर राइट आंसर। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्री टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, बात आगे के जो टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट सीरीज पार्ट टू में डिस्कस करूंगा, और टोटल मैं 3 से 4 पार्ट बताऊंगा जिसमें 10 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बाद बहुत सारे